लोकसभा चुनाव अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग जनपदों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ प्रभारियों की मीटिंग की और मीटिंग के बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा इस बार जीरो सीट पाने वाली है, क्योंकि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हर रोज सपा कैंडिडेट बदल रही है और उनके पास कोई नीति नहीं है। समाजवादी पार्टी जीरो सीट पाने वाली है, उनको कैंडिडेट ढूंढने नहीं मिल रहे हैं, रोज वो कैंडिडेट बदल रहे हैं, वो उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जब जब सपा सत्ता में रही है, गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे गरीब जनता को व्यवसायियों को किसानों को परेशान करते रहे, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है, वो रसातल की तरफ जाने वाले। इस बार रामपुर लोकसभा सीट तो क्या कहना चाहेंगे, कितने अंतर है जीतेगी रामपुर लोकसभा सीट, एक तरफा चुनाव है। वहीं रामपुर लोकसभा सीट को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया को बताया कि रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रामपुर का नाम आज आतंक के लिए नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। आगे ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा सुनिए। रामपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे प्रचंड बहुमत के साथ। यहाँ जब हम पहुंचे तो हमने बूथ अध्यक्षों से बात किया है, अपने बीएलए से बात किया है और हमने संत समाज में जाकर के बात किया है। सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी ने गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। रामपुर का नाम आज आतंक के लिए नहीं है, रामपुर का नाम आज डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है और घनश्याम लोधी जी ने रामपुर में इतना अधिक डेवलपमेंट करा, विकास कार्य कराया है। हमारे माननीय मंत्री औलख जी ने इतने विकास कार्य कराए हैं कि सब लोगों का मानना है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट रामपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम लोधी जी को मिलेगा और प्रचंड बहुमत से। जहां एक ओर भाजपा ने रामपुर से घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी ओर सपा ने मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी पर दांव खेला है। ऐसे में रामपुर में इस बार का चुनावी मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और अब देखना यह होगा कि आखिर ऐसे लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रवि शंकर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।